अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। ये देखें जी, ये सलाबी इलाके में पहुंच गए हम। ये सामने आपको स्कूल नज़र आ रहा होगा, मैं जूम कर रहा हूँ। स्कूल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, दीवारें उसकी घिर चुकी हैं, पानी अभी तक भी खड़ा है, लेकिन पानी अब सूख रहा है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ये पूरा इलाका, ये बस्ती पूरी की पूरी जो देख रहे हैं आप, ये पानी की जद में थी, डूबी हुई थी। हम नज़दीक चलते हैं, लोगों के मकान घिर गए हैं काफ़ी सारे, यहाँ फसलें थी, यहाँ सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। हम आगे चलते हैं, अब देखते हैं। ये हम आए हैं एक बस्ती के अंदर, यहाँ देखें कि कोई चीज़ नहीं बची। मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। यहाँ से पानी गुज़रा और हर चीज़ बहा कर ले गया। ये बेचारे बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपनी। ये देखें, मकान सारे घिर चुके हैं इनके, और यहाँ पे अभी तक अमदादी टीमें नहीं आई। ये वो इलाके हैं जहाँ पे सैलाब ने अपनी तबाहियाँ मचाई, यहाँ कुछ नहीं बचा यार। ये मकान घिर गए इनके, मवेशी सारे पानी बहा कर ले गया। ये देखें, ये तंबू लगाकर ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपनी, और बड़ा ही दर्दनाक ये मंज़र है, ये आपके सामने है, देखते जाइएगा। और एक भी मकान सलामत नहीं बचा। ये बियारो मददगार आवाम बैठी है, ये इनका सामान बिखरा पड़ा है, ये तंबू लगे हुए हैं, ये सारे के सारे घर घिर चुके हैं। और ये देखें, ये गार्डर इनके पड़े हैं, यहाँ पे पानी था सारा। ये देखें, ओहो, ये सारा कुछ आपके सामने। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगे। ये देखें जी कि यहाँ पे सारा पानी था, 8 फुट 10 फुट पानी चला है। ये लोग बता रहे हैं 8 फुट 10 फुट पानी चला है, और पूरी की पूरी बस्ती सफ़ा हस्ती से मिट गई। ये देखें, यहाँ कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, मकान सारे के सारे तबाह बर्बाद हो चुके हैं। बस ऐसे ही मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप तक आने वाली आइंदा मूवी आपको मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम जी, ये हम आए हैं एक और बस्ती में, मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको दिखाता रहूं सैलाब की तबाहकारियां। बस्ती शफानी, शितानी, बस्ती शितानी, ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे 8 फुट पानी चला था, यहाँ पे 8-10 फुट, ये बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया हर चीज़, और कोई मकान नहीं बचा। एक महीना 10 दिन से कोई हुकूमत का बंदा यहाँ तक नहीं आया। ये बेचारों का हाल देखें, अल्लाह माफ़ करे यार, मैं तो देख के डर गया हूँ सब कुछ। तो जो बंदे यहाँ रह रहे हैं उन गरीबों का क्या बना होगा। ओए होए होए, ये देखें, ये तंबू लगे हुए हैं, कनाते लगी हुई हैं, बस बाहर से जो इलाके के मुखीर हजरात हैं अमदाद देते हैं तो खाना मिल जाता है इनको। जानवर पानी के नज़र हो गए, मकान घिर गए। ये देखें जी, तो वाह, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। मैं आपको दिखाता रहूँगा जी सैलाब की तबाहकारियाँ, बस मेरे साथ रहिएगा। ये देखें, एक छोटी बच्ची खड़ी है बेचारी, उनके बाथरूम तक घिर गए हैं, मकान घिर गए हैं। ये उसी बस्ती में अभी हम हैं, ये पूरे मकान घिर चुके हैं। ये भाई बता रहा है कि मेरे दो कमरे थे, एक ये वाला, दो कमरे और एक ये, जो तो बहुत बर्बाद हो चुके हैं। मेहरबानी मेहरबानी हो जाए हुकूमत की तरफ से, मुखीर हजरात की तरफ से, इनको चाहिए कि मकान मिल जाए। बेचारे बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी, और कुछ नहीं बचा इनके पल्ले। पानी यहाँ 10 फुट तक चला है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ। अस्सलामु अलैकुम जी, मेरे साथ रहिएगा, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। ये देखिए, ये सैलाब का इलाका, ये बस्ती की दूसरी नुक्कड़ में दिखा रहा हूँ आपको। 10 फुट तक जहाँ पानी चला है, हर चीज़ ख़त्म हो गई इन बेचारों की। यहाँ पे हम आए हैं इस बस्ती में एक और घर में, और हर घर की एक और ही दर्दनाक कहानी है। ये छोटा बच्चा पानी के अंदर, बड़ी मुश्किल से इसको निकाला गया। ये छोटे बच्चे हैं, घर इनका घिर चुका है, मैं इनका घर दिखाता हूँ आपको।
ये घर घिरा पड़ा है इनका सारा, ये सामान बिखरा पड़ा है, कोई भी कैंडिडेट या हुकूमत की तरफ से अमदाद नहीं पहुंची, ये बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं अपना। यहाँ आके बहुत दिल दुखा है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। ये देखें जी, ये बेचारे बेचारों मददगार यहाँ कैंप में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं।